सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। एक छोटी सी दुआ, जिन लम्हों में आप खुश हो वो कभी खत्म ना हो। कमल तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। आज का पंचांग, आज का पंचांग 11 फरवरी 2022 दिन शुक्रवार, मांग मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 1:52 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र सुबह 6:36 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:25 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:18 से 1:03 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर शाम 5:06 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 11 फरवरी 2022 दिन शुक्रवार, अभी आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अंत में आपको अपनी इस मेहनत का इनाम मिलेगा। मिलने वाले इस पहचान और इनामों का मजा लें, इससे आपको आपकी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। अपनी सफलता की नई प्रतिष्ठा का आनंद लें। जीवन में बदलती हवाएं इतनी मजबूत है कि यह आपके काम और रिश्ते को नया अर्थ देगी। सार्वजनिक संबंध आपके समय का एक बड़ा हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इनसे लाभ होगा। विदेशी व्यापार या रिश्ते बनने का योग है। दृढ़ता और कुशलता जैसे गुण सबसे मूल्यवान हैं, किंतु उन लोगों के लिए जो भीड़ से अलग चलते हैं। नकारात्मक ग्रह स्थिति बनी हुई है, इसका उचित उपयोग करें। किसी नजदीकी मित्र का सुझाव व सलाह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। सामाजिक गतिविधियों में आपका रुझान बना रहेगा तथा आप स्वयं को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। आपके द्वारा तय की गई बातें पूरी होती हुई नजर आएगी। कुछ निर्णय लेने से पहले दुविधा का सामना करना पड़ सकता है, ये बाधा का कारण नहीं बनेगा। लोगों के साथ के सुधरते रिश्तों की वजह से जो दूरी महसूस हो रही थी वह भी कम होने लगेगी। नौकरी करने वाले को अपने काम से जुड़ा बड़ा प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकता है। अपने विचार और भावनाओं को ध्यान देकर रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय लेना होगा। सावधानियां, फाइनेंस संबंधित मामलों में किसी भरोसेमंद व्यक्ति से विचार विमर्श करना जरूरी है, क्योंकि निवेश संबंधित मामलों में कुछ असमंजस्य की स्थिति रहेगी। कुछ लोग जलन की भावना से आपकी आलोचना करेंगे तथा आपको अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में सुख शांति भरा माहौल रहेगा। विवाहेतर प्रेम संबंधों को नकारात्मक प्रभाव आपकी घर की सुख शांति को भंग कर सकता है। प्रेम जीवन में आई परेशानियों से निराश ना हो, क्योंकि यह अस्थिर है। जल्दी आपकी सब समस्याएं दूर होगी। आपके भाई बहन और पड़ोसी भी आपके सहायक हैं। जोश और उत्साह से रिश्ते और जीवन में आगे बढ़ें। विवाह के लड्डू चखने के लिए भी यह समय अच्छा है। जीवन में आए बदलाव रिश्ते को नया आकार देते हैं। आज लोगों से मिलने जुलने में आपका अधिक समय व्यतीत होगा और इससे आप उनसे मजबूती से जुड़ेंगे जिनसे आपका प्यार का रिश्ता है। उनसे कुछ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपने साथी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें कोई सरप्राइज दें। बात करते हैं करियर की। इस समय आप अपने लिए नए नौकरी या आजीविका का साधन तलाश कर सकते हैं। अपने रैंक या स्थिति में विकास आपको मान्यता और पुरस्कार प्रदान करेगा। आज आप अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर
नए धारणाओं और रणनीतियों को अजमाएंगे ताकि कुछ नया कर सकें। बदलाव की हवा आज आपकी तरफ बह रही है और साथ में ला रही है सौभाग्य। विदेशी व्यापार और संबंध भी आपके भविष्य में हैं। इस चरण में आपके और दूसरे लोगों के बीच लंबे रिश्ते बनने वाले हैं। आपका ज्यादातर समय लेंगे। भूले ना कि फसल के लिए सबसे पहले बीज बोना जरूरी है। बात करते हैं सेहत की। बासी चीजों के सेवन से परहेज रखें। जोड़ों तथा घुटनों का दर्द परेशान कर सकता है तथा फिजियोथेरेपी जरूर करवाएं। पेट दर्द की तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय। आज आप माता लक्ष्मी जी के मंदिर में लाल फूल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।